हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा वाटर जेट और एयर जेट लूम्स, दो प्रकार का मशीन आप लोगों को दिखाऊंगा। पहला अभी जो कंपनी में आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये है एयर जेट लूम्स कंपनी। पहले इसका माहौल देख लीजिए किस तरह, ये है एयर जेट लूम्स और ये जो देख रहे हैं ये वाटर जेट लूम्स कंपनी। इसका माहौल देख लीजिए किस तरह, वो मशीन थोड़ा हल्का वाला है और ये वाला थोड़ा भारी वाला है। ये वाला लूम्स वाटर से चलता है, वाटर के प्रेशर से ये वाला मशीन चलता है। अगर हमारा वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जय जगन्नाथ। एयर जेट लूम्स एयर के मदद से एयर प्रेशर से चलता है और जो वाटर जेट लूम्स होता है वो वाटर प्रेशर से वाटर के हेल्प मदद से चलता है। देखिए ये जो एयर जेट लूम्स कंपनी में पहले आप लोगों को दिखा रहा हूँ, एयर जेट लूम्स ऊपर खुला है, उसमें कुछ ऊपर है नहीं और एयर के मदद से चलता है। देख लीजिए इसका मशीन कैसा है। और ये जो देख रहे हैं ये है वाटर जेट लूम। ये पानी के मदद से पानी के प्रेशर से चलता है। पानी हो गई ये मशलूम्स चलता है, कपड़ा बनता है, बाहर पानी ना गिर जाए इसलिए इसका ऊपर कांच और प्लास्टिक के शीशे दिए गए हैं। ये देखिए जो कपड़ा है ये गीला है, भीगा हुआ है पानी में, ये कपड़ा पूरा का पूरा पानी होकर निकलता है, बनता है इसके अंदर। और ये जो देख रहे एयर जेट लूम, ये मशीन सब खुला है, ये एयर के मदद से चलता है, इसमें पूरा फ्री में काम होता है, कोई मगजमारी कोई दिक्कत नहीं है। मशीन पूरा खुला है, धागा कोई करता है तो वो लोग इसमें जोड़ता है, इसमें कोई लुका छुपी नहीं है, सब खुला खुला दिखता है, देखिए। और ये जो एयर जेट लूम्स है देखिए किस तरह पानी के मदद से चलता है, खाली पानी होकर ये कंपनी में चलता है। वो पाइप लगा हुआ है, पानी इसके अंदर गिरता है और मशीन चलता है। जो खुला था इसके लिए आप लोगों को दिखाया, अभी जो देख रहे हैं सब कवर हो गया, ये कवर नहीं रहेगा तो पानी बाहर गिर जाएगा। ये देखिए ये जो एयर जेट लूम होता है हर घंटे का 13 से 15 मीटर तक कपड़ा बनता है। देखिए धागा किस तरह जाता है और यहाँ से धागा देखो जो पाइप दो हिलता है यहाँ से प्रेशर एयर प्रेशर जाता है और धागा को आर पार करता है और कपड़ा बनता है। देखिए जो धागा इधर उधर एयर के प्रेशर से होता है और कपड़ा बहुत स्पीड बनता है। और ये जो चलता है ये वाटर के मदद से, देखिए ये जो पानी गिरता है, देखिए जो ऊपर नीचे होता है पानी गिरता है वो प्रेशर, दो पाइप दोनों तरफ है, वो पाइप के अंदर पानी बहुत आता है प्रेशर में और धागा इधर उधर होते हैं। देखिए इस तरह वाटर जेट लूम चलता है। एयर जेट वाटर जेट कपड़ा सेम बनता है मगर वो पानी के हेल्प मदद से, ये एयर के मदद से। ये देखिए जो एयर जेट लूम का माहौल कैसा है, किस तरह चलता है। ऊपर मोहल्ला है, मैं नीचे का मोहल्ला में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इधर कारीगर लोग काम करते हैं, उन लोगों का पगार 650 या 700 एक रोज का मिलता है, महीना में 18 से 21 हज़ार इनका पगार आता है, 18 से 21 हज़ार तक पगार मिलता है। जो ज़्यादा मशीन चलाता है उनका ज़्यादा मिलता है, जो कम चलाते हैं उनको कम मिलता है। देखिए किस तरह काम होता है आप लोग मैं दिखा रहा हूँ ये दोनों कंपनी में। ये जो देख रहे हो ये वाटर जेट लूम का बीम लगा हुआ है, बहुत मोटा बड़ा वाला बीम। देखिए इसका पिछवाड़ा का साइड मशीन कैसे चलता है, मशीन के बारे में मुझे ज़्यादा मालूम नहीं, जितना देखा आप लोगों को वीडियो में आप लोगों को बताया। और मैं ये मशीन चलाता तो आपको छोटे से बड़े तक पूरा का पूरा समझाता, और जितना दिखा रहा हूँ उतना ही बता रहा हूँ। जो बीच में जो होल है ये दो भाग है, मतलब दो कपड़ा एक बार में बनता है, अभी आप लोग को मैं दिखाऊंगा आगे। ये देखिए कितना स्पीड कपड़ा बनता है, ये भी 12 से 15 मीटर तक कपड़ा हर घंटे बनता है। और ये एयर जेट लूम से ये वाटर जेट लूम थोड़ा डिफिकल्ट है, कोई धागा कटता है तो इसमें जो एयर जेट लूम रहता है खुला और उसमें रोला लगा के जोड़ते हैं, कुछ काम ऐसे होता है जो दोनों में सेम रहता है। जैसे कि इसमें कंप्यूटर सिस्टम है, कितना मीटर चलता है, कितना धागा क्या चलता है, सब सिस्टम इसका अंदर होता है। देखिए सब टाइम सब कुछ लिखा हुआ है, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना कपड़ा बनता है, सब का सब दिखता है। और ये जो वाटर जेट अभी देख रहे हो ये वाला, ये देखो किस तरह धागा आता है और ये वाटर देखो किस तरह पानी अंदर गिरता है। और इसमें भी सेम कंप्यूटर सिस्टम है एयर जेट जैसा है, दोनों में कुछ काम सिमिलर है, कुछ रहता है सिमिलर। जैसे ये वाला रहता है इसमें और एयर जेट में ये वाला मशीन सेम रहता है। चलो आगे आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ कैसे धागा कटने से और खाली होने से कारीगर लोग लगाते हैं।
ये जो देख रहे हो ये वाटर जेट लूम, ये मशीन पूरा पानी पानी में चलता है। अभी अगर धागा काट गया, देखिए किस तरह कारीगर जोड़ते हैं, आप लोग को मैं शुरू से बताऊंगा। मगर वाटर जेट एयर जेट थोड़ा सा काम सेम रहता है जितना अभी मैं दिखा रहा हूँ। चलो देखते हैं, धागा का बंडल खाली हुआ तो उसमें भी धागा का बंडल है, इसमें जैसे लगाते हैं उसमें भी वैसे ही लगाते हैं। चलो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए जो मशीन है वो धागा को अपने तरफ खुद लगाएगा तो वो खुद अंदर खींच लेगा और बाहर आगे निकाल देगा। देखिए वो अभी अपने तरफ ले गया धागा, उसका स्विच दबाएगा तो वो चला जाएगा और आगे निकल गया। अभी धागा जोड़ के वो चालू करेंगे। देखिए धागा का बंडल खाली हुआ तो कारीगर उसको जोड़ेंगे और उसको छोड़ देंगे। देखिए और देखिए अभी मशीन चालू हो जाएगा। यहाँ तक वाटर जेट में भी सेम रहता है, जहाँ कपड़ा बनता है वो इतना वही दूरी तक। बाकी ये खुला है, एयर जेट खुला में चलता है, वो वाटर जेट वो बंद में चलता है। ये खुला है ये एयर में चलता है, वो बंद रहता है वाटर में चलता है, क्योंकि पानी बाहर गिर जाए और गीला हो जाए पूरा नीचे, इसलिए। अगर कोई मशीन ख़राब होता कुछ होगा तो कारीगर लोग रहते हैं, 12 घंटे का काम है इधर, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक, और जो नाइट में करता है वो शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक। 12 घंटे का काम उनको 650-700 तक कारीगर को मिलता है, अपने मशीन जितना जो चलाता है उतना पगार इनको मिलता है। अभी धागा टूट गया, अभी जोड़ के फिर मशीन बराबर करके फिर चालू कर देंगे। इस तरह सूरत में काम होता है। देखिए किस तरह एयर जेट लूम बनता है, एक मशीन में 15 मीटर घंटे का बनता है, तो सोचिए 12 घंटे में कितना कपड़ा बनता है। ये देखिए ये सिंगल वाला कपड़ा, डबल कपड़ा नहीं, सिंगल कपड़ा बनता है, और इसमें डबल कपड़ा बनता है। उस देखिए ये सिंगल वाला है, सिंगल देखा, इसमें डबल नहीं लगा।